राकेश कुमार भदौरिया ने आज नए वायुसेना चीफ का पद संभाला। उन्होंने एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ की जगह ली। भदौरिया ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर जवानों को श्रद्धांजलि दी। एयर चीफ मार्शल का पद संभालते ही भदौरिया ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा कि राफेल लड़ाकू विमान के कारण भारत, चीन और पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा, राफेल एक सक्षम विमान है, यहाँ गेम चेंजर होगा। राफेल भारत को पाकिस्तान और चीन से बढ़त दिलाएगा। आरकेएस भदौरिया राफेल लड़ाकू विमान खरीद टीम के चेयरमैन रह चुके हैं। यही नहीं, वायुसेना के उन चुनिंदा पायलटों में से एक है जिन्होंने राफेल विमान उड़ाया है। जुलाई में भारत फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच गरुड़ अभ्यास के दौरान भदौरिया ने राफेल विमान उड़ाया था। एयर चीफ मार्शल भदौरिया को जून 1980 में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में शामिल किया गया और कई पदों पर रहे। करीब चार दशक की सेवा के दौरान भदौरिया ने जगुआर स्क्वाड्रन और एक प्रमुख वायुसेना स्टेशन का नेतृत्व किया। उन्होंने जीपीएस का इस्तेमाल कर जगुआर विमान से बमबारी करने का तरीका ईजाद किया। ये वर्ष 1999 में ऑपरेशन सफेद सागर में जगुआर विमान की बमबारी में भूमिका से खास तौर से जुड़ा है। भदौरिया को 26 तरह के लड़ाकू और परिवहन विमानों को 4,250 घंटों तक उड़ाने का भी अनुभव है।